दोस्तों अक्सर लोग अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए अच्छी फूड और अच्छी डाइट लेती हैं, लेकिन हेल्थ तो तब बिगड़ती है जब लोग बारिश के मौसम में एंजॉय करने के लिए बरसात के पानी से नहाते हैं, जिस कारण लोगों को जुकाम और बुखार पकड़ लेता है, जिसे चेक करने के लिए हम डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सुख दुख का साथी यानी डिजिटल थर्मामीटर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और उसके साथ साथ इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर को भी कैसे बनाया जाता है, नहीं सोचा तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है इंफ्रारेड थर्मामीटर मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों कोरोना के समय से इंफ्रारेड थर्मामीटर का डिमांड काफी बढ़ चुका है, क्योंकि ये थर्मामीटर काफी फास्ट है जिसे बॉडी के टेम्परेचर को तुरंत पता किया जा सकता है। और उसकी खास बात यह है कि इसमें 30 लोगों के टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो चलिए इसे फैक्ट्री में बनते देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके मॉडल को कंप्यूटर में तैयार करते हैं, फिर इसके बॉडी को बनाने के लिए प्लास्टिक ग्रैनुल्स को मोल्डिंग मशीन में डालकर बॉडी को बनाते हैं, फिर इसे अलग अलग पार्ट को मोल्डिंग मशीन से बनाकर कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। फिर पीसीबी को बनाने के लिए ग्रीन प्लेट को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर एक मशीन पर रखते हैं, जहाँ डिस्प्ले लगाने के लिए स्पेस डिजाइन किया जाता है। अब डिस्प्ले अटैच करके टेस्टिंग करते हैं, पीसीबी के पीछे वाले हिस्से पर लेजर लाइट लगाकर सोल्डिंग करते हैं। अब लेजर लाइट को दूर तक भेजने के लिए प्लास्टिक बॉडी में छोटे छोटे ग्लास लगाकर लेंस को तैयार करते हैं, फिर लेजर लाइट के आगे असेंबल करके टेस्टिंग किया जाता है कि लाइट का फोकस दूर तक जा रहा है नहीं। अब थर्मामीटर के बॉडी में स्विच लगाकर पीसीबी के साथ डिस्प्ले और लेजर लाइट को असेंबल करके थर्मामीटर बॉडी को क्लोज करते हैं, फिर स्क्रू से टाइट लिकर्स के फ्रंट पैनल को लगाते हैं। अब थर्मामीटर के पीछे बटन को लगाने के लिए बैक पैनल को लगाते हैं, फिर इसका टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए हीटर मशीन के आगे रख कर अलग अलग टेम्परेचर पर चेक करते हैं। अब इसे बॉडी पर करंट तो नहीं आ रहा, उसे चेक करके थर्मामीटर को क्लीन करते हैं, फिर इसे बॉक्स में पैक करके एक बड़े से बॉक्स में रखते हैं, जिससे आपका थर्मामीटर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब नंबर दूसरे पर आता है डिजिटल थर्मामीटर मेकिंग प्रोसेस। वैसे तो डिजिटल थर्मामीटर को डॉक्टर द्वारा सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर को सटीक मेजर करता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक ग्रैनुल्स डालकर इसे बॉडी को बनाते हैं। अब बारी आती है पीसीबी को बनाने की, जिसके लिए ग्रीन प्लेट को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर उस पर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाती हैं। अब सारे कंपोनेंट लग जाने के बाद पीसीबी को मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किया जाता है कि इसमें शॉर्ट सर्किट का खतरा तो नहीं ना है, फिर से दूसरे मशीन पर रख कर अंदर भेजते हैं, जहाँ डिस्प्ले को लगाया जाता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहाँ थर्मामीटर के प्लास्टिक बॉडी को कन्वेयर बेल्ट पर लाकर एक घूमती हुई चक्री पर रखते हैं, जिसमें पीसीबी को असेंबल करके कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। अब इसे दूसरे मशीन पर रखकर प्लास्टिक कैप को लगाते हैं। इस तरह असेंबलिंग पूरा हो जाने के बाद थर्मामीटर का टेस्टिंग करते हैं कि आगे थर्मामीटर वर्क कर रहा है या नहीं। दोनों टेस्टिंग के दौरान थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसे मेंटेन करने के लिए थर्मामीटर को वाटर बाथ में डालते हैं, फिर पर कंपनी का लेबल लगाकर इसे बटन को चेक करते हैं और इसे एक बार और क्लीन करके बॉक्स में पैक करते हैं और एक बड़े से बॉक्स में डालकर ड्रॉप टेस्टिंग और वाइब्रेशन टेस्टिंग किया जाता है। दोस्तों इसे करने से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान थर्मामीटर में कितना खराबी आ सकता है उसे चेक करते हैं। अब नंबर तीसरे पर आता है पल्स ऑक्सीमीटर मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों कोरोना काल में जो तराई मची थी उसे देखकर लोग घर घर मेडिकल एप्लीकेशन रखना स्टार्ट कर दिए, जिसमें सबसे जरूरी है ऑक्सीमीटर, जिससे हम अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल पता करके अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसे बॉडी को मोल्डिंग मशीन से तैयार करते हैं, फिर पीसीबी पर सेंसर लगाकर सोल्डिंग करते हैं। अब पल्स रेट को देखने के लिए डिस्प्ले को पीसीबी पर चिपकाकर और भी कंपोनेंट को लगाते हैं, फिर ऑक्सीमीटर बॉडी में बैटरी लगाने के लिए टर्मिनल लगाकर पीसीबी से सोल्डिंग करते हैं ताकि पीसीबी को पावर मिले, फिर अपर और लोअर बॉडी को असेंबल करके स्प्रिंग को लगाते हैं ताकि ऑक्सीमीटर आसानी से ओपन और क्लोज हो सके। अब फिंगर रखने वाले फिंगर रेस्ट लगाकर फ्रंट पैनल को लगाते हैं, जिस पर ऑन ऑफ स्विच होता है। अब ऑक्सीमीटर को टेस्टिंग रूम में भेजते हैं, जहां ऑक्सीमीटर में से लगाकर आर्टिफिशियल फिंगर से चेक किया जाता है। अब बारी आती है पैकिंग की।
स्टेन ने बॉक्स में पैक करके वेट मेजर करते हैं। पिन एक बड़े से बॉक्स में डालकर पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।